हेलो एवरीवन। सो अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ले रहे हैं। हमने बेसिक मैथमेटिक्स को अलग से डिसाइड किया हुआ है, जिसमें हम अपने बेसिक को मजबूत कर रहे हैं। देन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स जो मेनली गेट और ईएससी में आती है, उसको हम पर्टिकुलरली समझने का ट्राई करेंगे स्टेप बाई स्टेप। तो देखिए, जो लीनियर एलजेब्रा है वो फर्स्ट टॉपिक होता है जो लगभग सारी ब्रांचों में है। तो फर्स्ट हम लीनियर एलजेब्रा को समझते हैं कि लीनियर एलजेब्रा होता क्या है। तो लीनियर एलजेब्रा जो कंसर्न करता है वो स्टडी ऑफ वेक्टर्स, फैमिली ऑफ वेक्टर्स, जिनको वेक्टर स्पेसीज कहा जाता है, लीनियर स्पेसीज कहा जाता है, उनको पर्टिकुलरली स्टडी किया जाता है। जिसमें मतलब इनपुट होती है वन वेक्टर फॉर्म में और उसकी आउटपुट मिलती है हमें किसी अदर वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलरली इस तरीके से उससे डील की जाती है। ओके, तो हम पर्टिकुलरली इसी तरीके से हमको समझेंगे। जैसे हमें, अगर आपने रोबोटिक्स के अंदर ट्रांसलेशन वगैरह के फिनोमिना देखे होंगे, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में वो इनपुट दी जाती है, देन आउटपुट किसी अदर मैट्रिक्स फॉर्म में मिलती है। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को रोटेट करना है या फिर किसी अलग पोर्शन में करना है, तो आप उसको इस तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, तो हम उसी को समझने का ट्राई करते हैं। तो मेनली जो लीनियर एलजेब्रा है, इसमें क्या होता है कि जो थ्योरी ये जो ऑक्यूपाई करती है, इसमें क्या होता है कि मॉडर्न जो मैथमेटिक्स है उसको ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच और फिजिकल साइंस है उसमें इसका यूज किया जाता है। लीनियर एलजेब्रा में जो सॉल्यूशन होता है सिस्टम का, उसको लीनियर इक्वेशन में डिनोट किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे अननोन्स होते हैं और जिनके रिजल्ट से लीनियर मैथमेटिक्स मॉडल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम का। यानी कि कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होगी उसका सिंपल मैथमेटिकल मॉडल उसका प्रिपेयर किया जाएगा और लोन ये जो मॉडल है उसको देन सोल्व किया जाता है। जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये पर्टिकुलरली किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट करना होता है। ओके, तो लीनियर एलजेब्रा के बारे में हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बेसिकली ये आता नहीं है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि लीनियर एलजेब्रा एक्चुअली टॉपिक है क्या और पर्टिकुलरली यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम पर्टिकुलरली ये पढ़ने वाले हैं कि जो मैट्रिक्स है उसमें पर्टिकुलरली क्या क्या पोर्शन है। जैसे मैट्रिक्स है उसमें किस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है, किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उन सबको हम सीखते हैं। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको बोला जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई एम इंटू एन, एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, तो एम क्रॉस एन की अगर कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन, तो उसमें क्या होगा। पर्टिकुलरली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो ये कोई रेक्टेंगुलर एरे होगा, फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर होगा, जिसमें क्या होगा एम रो होगी और एन एन कॉलम होंगे। ओके, तो अगर एन कॉलम और एम रो होंगे तो उसको एम क्रॉस एन के फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। ओके, तो आपको ये पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, तो उसमें पर्टिकुलरली ए आई इंटू जे इज इक्वल टू सॉरी एम इंटू एन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए वन वन, ए वन टू। ओके, ऐसे ये ए वन एन तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन कॉलम है। ओके, देन यहाँ पे ए टू वन, ए थ्री वन, तो यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं, तो आपकी जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये आपका ए एम वन तक जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ए एम इंटू एम एन आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये आपका फॉर्म चलता रहेगा। तो पर्टिकुलरली और यहाँ पे आपको एम क्रॉस एन जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इस तरीके से पर्टिकुलरली उस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, यहाँ एन पे आपको एम इंटू एन लिखना है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उसको पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उनको आप रो बोलेंगे एंड जो वर्टिकल लाइन्स है उनको आप कॉलम्स बोलेंगे। ओके, रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो ये पर्टिकुलरली डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा कि मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अब जो जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कितने टाइप की स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कितनी तरह की वैरायटी ऑफ मैट्रिक्स जनरेट हो सकती है, अगर कुछ कुछ थोड़े 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 जो वेरिएशन होते हैं उन वेरिएशन के हिसाब से कितनी तरह की मैट्रिक्स जनरली बन सकती है। ओके, तो उसको हम समझते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट तरह की मैट्रिक्स है वो आपकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो आपकी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके,
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उस एम इंटू एन मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन, अगर इसमें एम की वैल्यू एन की वैल्यू को इक्वल हो जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझेंगे 2 क्रॉस 2, तो इसमें एम एंड एन की जो वैल्यू है वो सेम हो रही है, लाइक 4 क्रॉस 4 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसके बाद अगर हम देखें कि एन रोज अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे अगर मान लीजिए, तो उसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जा सकता है, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए आई जे इंटू एन क्रॉस एन, क्योंकि एम एन इक्वल है, या फिर आप इसको ए आई जे एम इंटू एम भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें पर्टिकुलरली इसमें आपको क्या होता है कि जैसे कोई एलिमेंट जो डायगोनल पे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 3x3 की, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, अगर आप मान लेंगे ये आप A22 मान, A23, A32 एंड A33, इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल पे एलिमेंट आते हैं, जो डायगोनल पे आते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये जो आपके एलिमेंट होते हैं, इनको आप क्या बोलोगे, डायगोनल एलिमेंट। ओके, और जो इस पर्टिकुलर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनकी टर्म्स क्या होती है, कि कई बार इनका नाम लेके भी हमसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है क्वेश्चन में, तो आपको डायगोनल एलिमेंट एंड प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पर्टिकुलरली एग्जाम्पल से हम इसको समझने का ट्राई करते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस एग्जाम्पल में के हिसाब से हम बताएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कौन से डायगोनल एलिमेंट है और क्या है। ओके, तो एग्जाम्पल में लिखता हूँ, तो पर्टिकुलरली इसमें ये हमें क्या है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, दैट्स वाई इसको 3x3 की मैट्रिक्स है, हमने पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा। और अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो डायगोनल एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो पर्टिकुलरली डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं जो इसके डायगोनल पे आ रहे हैं, यानी कि 1, 5 एंड ये जो 3 है, यहाँ पे 3 मान लीजिए तो 1, 5 एंड 3, एंड ये वाला 3 नहीं, ये वाला 3। ओके, देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, देन वो भी 1, 5 एंड 3 होंगे। ओके, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स आ रही है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म होती है। देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट तरह की मैट्रिक्स देखें, हम वेराइटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो सेकेंड जो मैट्रिक्स है वो हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर 0। इट मीन्स इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल पे नहीं है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब होगा कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो पर्टिकुलरली इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी डायगोनल मैट्रिक्स किस तरीके की मैट्रिक्स होती है। तो देखिए 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 एंड 9, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट है ये जो है वो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो तो 0 नहीं होने चाहिए, वो 0 नहीं है पर्टिकुलरली। तो देखिए 3, 5 और 9 है, ऑब्वियसली बात है, तो प्रिंसिपल ये क्या, डायगोनल एलिमेंट है। ओके, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं होने चाहिए, तो वो 0 नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली इस लाइन पे जो लाई कर रहे हैं, जो पॉइंट पर्टिकुलरली इस पे लाई कर रहे हैं वो 0 नहीं, लेकिन इसके आउटसाइड जो भी है उनको बोलते हैं हम ऑफ डायगोनल। ओके, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 है, तो इस तरीके की मैट्रिक्स जब भी बनेगी तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ओके, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, एंड जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो 0 नहीं होंगे, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देन इसके बाद अगर हम थर्ड तरह की मैट्रिक्स देखते हैं, थर्ड साइड की मैट्रिक्स देखते हैं, तो वो है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली आपको क्या याद रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है वो पर्टिकुलरली क्या होगा कि जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे
वो क्या होंगे आपके डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल बीइंग इक्वल, तो जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स होती है ना, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती ही है। तो स्केलर मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो किस तरीके से करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट बीइंग इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ही होगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आपकी मैट्रिक्स है ए, तो पर्टिकुलरली उस मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जो स्केलर मैट्रिक्स होगा इसमें पर्टिकुलरली हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए कोई ए एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट है वो सारे इक्वल हो गए। ओके, देखिए ये है डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे तो ए वन वन इक्वल टू ए टू टू इक्वल टू ए थ्री थ्री। ओके, ये ए वन वन है, ये ए वन टू है, ए टू टू है, ये ए थ्री थ्री है। इट मीन्स सारे डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है वो इक्वल हो चुके हैं, थ्री के इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स होगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के नाम आपको याद होना चाहिए, कि आपको बेसिकली हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन दी हुई हो कि ये जो थ्री डायगोनल की स्केलर मैट्रिक्स हो, इस तरीके से वर्ड यूज हो रहा हो, और देन उस मैट्रिक्स को आपको कहीं पे सोल्व करवाया हुआ हो। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इजिली समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। जो कभी कभी थ्योरेटिकल वे में भी मैट्रिक्स को गिवन डाटा जो होते हैं वो गिवन हो सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। ओके, तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो भी जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो भी डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो पर्टिकुलरली यूनिट होंगे, मतलब वन होगा। ओके, तो यूनिट मैट्रिक्स का भी हम एग्जांपल लेके समझेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, इसीलिए कई बार इसको आई से डिनोट किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो जब हम यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ व्हिच डायगोनल एलिमेंट इज वन एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ओके, जिसके क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट होगा वो वन होना चाहिए, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। एंड देन थर्ड प्रॉपर्टी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 2x2 की कोई मैट्रिक्स देखते हैं, 2x2 की, तो वन जीरो जीरो वन, ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर मान लीजिए इनकेस आपको 3x3 की मैट्रिक्स देखनी है तो 3x3 में क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी पर्टिकुलरली ये भी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी थ्री ऑर्डर की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आपकी टू ऑर्डर की। ओके, तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनती है उसको हमने समझ लिया। अब कुछ पर्टिकुलरली हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है। वो पर्टिकुलरली क्या है आप नोट कर सकते हैं, आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। जो आई होता है अगर हम उसको डिफाइन करें, तो आई का कई जगह आपने देखा होगा कि जब हम इनवर्स निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का या फिर कई डाटा निकाल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम आई को यूज करते हैं एज ए मल्टीप्लेक्टिव मैटर। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर इसको यूज करते हैं तो आई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लेक्शन। ओके, मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे होंगे कि पर्टिकुलरली आई जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट होता है। सो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, सो इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन अगर आपको सेकंड प्रॉपर्टी बोली जाए, तो जो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से, कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसको अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपको वो मैट्रिक्स ही वापस मिल जाएगी। या फिर आप इसको किसी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले आपने ए से आई लिखी है फिर आई या ए लिखी है, क्योंकि तो आपको उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा अगर आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई।
लगे रहेंगे। अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर में कुछ मैट्रिक्स करते हैं, यानी आई स्क्वायर का मतलब होगा कि आप आई को आई से मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए आई स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आई इंटू आई करो आप। अगर आई क्यूब हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई इंटू आई इंटू आई। तो आप कितनी भी बार आई इंटू आई करो आपको आई मिल जाएगा वापस। ओके, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आपको वापस मिल जाएगी। तो आई एन करोगे तो आपको वापस आई मिल जाएगा। इसके बाद आप अगर फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो होगी आपकी, अगर आप आई का इन्वर्स करोगे तो आपको वापस आई मिल जाएगा। ओके, अगर आप आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स करोगे तो वापस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो फोर्थ रूल है, आपने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर आपने वैल्यू निकाली, अगर हमने मोड निकाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो हमें 1 मिलेगा। ओके, अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली तो हमें 1 मिलेगा। तो हमने ये वेरियस प्रॉपर्टीज देखी किसके ऊपर, वैसे ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो भी हमने सीखा है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं न्यूल मैट्रिक्स की तरफ। ओके, तो जो अगला टॉपिक है वो है हमारा न्यूल मैट्रिक्स। तो पर्टिकुलरली तो न्यूल मैट्रिक्स में आपको ये याद रखना है, अगर आपको न्यूल मैट्रिक्स कहीं पे वर्ड आता है वो कई जगह आपको दिखेगा। कई बार कई जगह आप जब रूल सीखेंगे तो वहाँ पे आपको न्यूल मैट्रिक्स वर्ड सुनाई देगा। तो न्यूल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, कोई मैट्रिक्स एम इन टू एन मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड न्यूल मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स होगी उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो वो न्यूल मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें 3 2 by 2 की कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं तो इट मीन्स वो न्यूल मैट्रिक्स हो गई। ये 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर कितने भी ऑर्डर की हो सकती है। ओके, अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट उसके जीरो आ जाते हैं तो इट मीन्स वो क्या होगी, न्यूल मैट्रिक्स होगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि न्यूल मैट्रिक्स कैसे होता है। ओके, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं न्यूल मैट्रिक्स, आप समझ गए किस तरीके से होता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज होती है न्यूल मैट्रिक्स की वो हम समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी न्यूल मैट्रिक्स की, तो एक्चुअली में इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कई जगह ये हमारी कैलकुलेशन के दौरान मैट्रिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ये हमारे यूज आती है। तो देखिए, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए में अगर आप न्यूल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो आपको वापस ए ही मिल जाएगा। अब आप चाहे इसको कैसे भी ऐड करें, या ए प्लस ओ ऐड करिए या फिर ओ प्लस ए ऐड कीजिए, आपको वो मैट्रिक्स ही वापस मिलने वाली है अगर आप न्यूल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करोगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैट्रिक्स जैसे 1, इसकी वैल्यू 1 है, इसमें 0 ऐड करोगे 1 ही मिलने वाला है, तो मैट्रिक्स वापस आपकी वही आ जाएगी। तो इसलिए जो ओ है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे वहाँ पे हमारा जो आया था यूनिट मैट्रिक्स, उसको हमने क्या बोला था, यूनिट मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी बोला था, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, इसके बाद मान लीजिए अगर आप किसी मैट्रिक्स ए में से अगर आप इसकी माइनस ए, मतलब आप इस मैट्रिक्स को अपोजिट साइन करके अगर ऐड कर देंगे तो आपको न्यूल मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, ऑब्वियसली बात है, मिलने वाला है। मान लीजिए इसकी 1 वैल्यू है, अगर उसका अपोजिट साइन करेंगे -1 होगा, तो -1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलने वाला है। अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, आपका पर्टिकुलरली न्यूल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने न्यूल मैट्रिक्स को समझा है। अब जो अगली तरह की मैट्रिक्स हम देखेंगे वो है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए, तो बेसिकली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए, जो भी हम ये मैट्रिक्स सीख रहे हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे ये टर्म्स यूज हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन वो देना चाहता है। इस नॉट नेसेसरी कि आपको मैट्रिक्स बना के ही दे, वो इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है। ओके, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए वो, जिसमें क्या होगा कि जो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे और जो अपर डायगोनल एलिमेंट होंगे उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। किस तरीके से अगर हम इसको समझें, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है यू, जिसमें इसकी वैल्यू क्या है, 3 5 -1 0 5 6, ओके 0 0 2। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या है, लोअर ऑफ डायगोनल, इसको बोलेंगे आप, इन वैल्यू को क्या बोलेंगे, लोअर ऑफ डायगोनल। ओके, लोअर ऑफ डायगोनल। ओके, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ये इससे ऊपर की जो वैल्यू होगी, इनको आप बोलोगे अपर ऑफ डायगोनल। ओके, अपर ऑफ डायगोनल। ओके, तो देखिए लोअर ऑफ डायगोनल यानी इस डायगोनल के नीचे की जो वैल्यू है वो सारी 0 होगी और अपर ऑफ जो डायगोनल होगी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसको इसीलिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि अपर वाले की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोअर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझ गए। अगर मान लीजिए इसी में अगर हमसे बोला जाए कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बताइए, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जो अबाउ जो साइड में है, ऊपर जो साइड है उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लोअर ट्राइंगुलर
मैट्रिक्स बोला जाता है, तो इट मीन डायगोनल के नीचे यानी लोअर साइड में जो वैल्यू होगी उनकी पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का, तो इसमें भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज अपर ऑफ डायगोनल ट्राइंगुलर एलिमेंट आर जीरो। मतलब जो ट्राइंगुलर एलिमेंट होंगे अपर साइड वाले वो सारे जीरो होंगे। किस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पर्टिकुलरली देखिए 1 0 0 -1 5 0 2 3 6। ओके तो 1 0 0 -1 5 0 2 3 6 इस मीन्स लोअर, इसके लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनकी पर्टिकुलरली कुछ वैल्यू है, लेकिन जो अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट की कुछ वैल्यू है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे हैं। अगर ऊपर वालों की वैल्यू, जब हमने पुराना वाला केस देखा था तो उसमें अपर साइड वालों की ऊपर ट्राइंगुलर की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, इसलिए उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोल रहे थे, और लोअर में अपर वालों की जीरो वैल्यू जीरो होगी, और अगर हम अपर वाले की बात करें तो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो इस तरीके से हमने लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को भी समझा। अब जो अगली तरीके हम मैट्रिक्स देखेंगे वो है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ओके तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम आइडमपोटेंट मैट्रिक्स पर्टिकुलरली क्या होती है कि आइडमपोटेंट पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में आपको पर्टिकुलरली ये याद रखना है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो इसका मतलब वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ओके तो इसमें पर्टिकुलरली देखिए, अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली मान लीजिए 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है, अगर आप इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस यही मैट्रिक्स मिलने वाली है। सिमिलरली अगर आप न्यूल मैट्रिक्स ले लीजिए 0 0 0 0, तो ये भी आपकी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक और मैट्रिक्स में देता हूँ, आप सोल्व करके पता करिएगा कि वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए 2 -2 -4, अगर मान लीजिए ये -1 3 4 माइनस, ये मान लीजिए 1, मान लीजिए इसको 1 -2 एंड -3, ये कोई पर्टिकुलरली मैट्रिक्स है, तो आपको इसके बारे में बताना है कमेंट में कि वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। ओके तो पर्टिकुलरली इस तरीके से आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाता है और सेम वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, तो इसका मतलब वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके तो नाइन टाइप की जो हम मैट्रिक्स देख रहे हैं वो है इन्वोल्यूटरी टाइप की मैट्रिक्स। ओके तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके तो पर्टिकुलरली इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में आपका क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपकी ए है, ए मैट्रिक्स है, अगर उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसका मतलब वो क्या है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ओके तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका स्क्वायर करोगे आप, तो हमने देखा ही था कि 1 0 अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो प्रॉपर्टी भी देखी थी हमने कि वापस वही मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो अगर मान लीजिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करोगे तो वापस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम मिलने वाली है, तो ये क्या है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आप एक को एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें आपको पता करके बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो पर्टिकुलरली आइडन इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मान लीजिए 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3, ये जो मैट्रिक्स है इसके बारे में आपको कमेंट में लिख के बताना है कि वो पर्टिकुलरली इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। ओके तो इसको आपको चेक करके बताना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट तरह की मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं वो है नियोपेटेंट मैट्रिक्स। तो नियोपेटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, सॉरी नियोपेटेंट नहीं, नील पॉइंट मैट्रिक्स। ओके नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोशेंट मैट्रिक्स। ओके तो नील पोटेंट मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली क्या होने वाला है कि पर्टिकुलरली आपको इसमें अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो वो आपकी क्या होगी, नील पोशेंट मैट्रिक्स होगी। तो पर्टिकुलरली इसमें आपको ये याद रखना है ए एक्स बराबर जीरो तो होना चाहिए, लेकिन अगर ए एक्स माइनस वन एक पावर आप कम करोगे तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके तो ये आपको चेक करना है। तो इसमें जो एक्स, अगर हम इसको बोलेंगे किस क्लास की मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए एक्स बराबर जीरो आ रहा है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ये एक्स ही होगा। ओके ये इंडेक्स होगा वो होगा एक्स पर्टिकुलरली। ओके तो इसको इस तरीके से बोला जाएगा कि ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नील पोशेंट ऑफ क्लास ए और इंडेक्स है इफ़ एक्स बराबर जीरो। तो ये हम समझ चुके हैं कि नील पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब इस तरीके से होगा। अब आपको एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको सोल्व करके बताना है कि पर्टिकुलरली
वो किस ऑर्डर की निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। ओके, तो मान लीजिए उसमें आप क्या करेंगे, उसका स्कोर करते रहेंगे, जब अगर वो 0 आ जाता है तो वो उसी ऑर्डर की वो निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 1 1 3 5 2 6 ये कोई मैट्रिक्स है, -2 -1 -3। ओके, तो ये मैट्रिक्स आपकी पर्टिकुलरली आपको चेक करके बताना है कि नील पोटेंट कितने की। अब आप कैसे करेंगे, पहले आप ए इन टू ए करेंगे, आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, तो देखेंगे कि वो पर्टिकुलरली 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देन आप इसको ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जनरली ऐसा नहीं होगा कि 5 to 6 टाइम आपको दिया होगा, या तो वो 2 की होगी या 3 की होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 की होगी, उससे ज़्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सिंगुलर मैट्रिक्स पर्टिकुलरली क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है वो भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि अगर इफ़ डिटर्मिनेंट इज ऑफ मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। ओके, मैट्रिक्स इज 0 तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए 0 नहीं आता है तो यहाँ पे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली देखिए, अब आपको ये पता करके बताना है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 6, काफ़ी एग्जाम्पल इजी आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में लिखिए तो हमें भी पता चलेगा कि कितना फीडबैक है, क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो ये बताना है आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं है। तो इसको आप अगर कॉमन वर्ड में लिखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट, इसको हम डिटर्मिनेंट का साइन कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट 0 अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इट मीन्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो पर्टिकुलरली इन जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखी। तो जो हम प्रोसीजर यूज करने वाले हैं वो क्या है कि हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे, देन उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, देन लास्ट में हम ऐसे करेंगे कि जब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा तो हम लगभग 20-30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो 30 क्वेश्चन लगभग 2 से 3 वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्टली जो कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको हम डील करें, पहले उनको समझें। जैसे कि हमने आज पूरा समझ लिया कि किस तरीके से वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है। आपने नए वर्ड सीखे होंगे, नील पोटेंट मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, ये वर्ड्स आपने को पहले नहीं होगा तो इनके इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपने अभी इनके बारे में जानकारी ली है तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और अब आपको क्या है कि हम धीरे धीरे आगे कौन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन हम उन पे कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे, देन हम उन प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हुए वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम 2 से 3 वीडियो अलग से इसके कंटिन्यूसली हम ये रखेंगे जिन पर केवल हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए, एंड होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फीडबैक की अगर आप देना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली स्पीड ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये वीडियो बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं थोड़ा स्पीड को फास्ट मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वरना आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, टेस्ट सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो आप वीडियो को या तो स्पीड को रिड्यूस कर लीजिए, ये ऑप्शन फैसिलिटी अवेलेबल है। ये अगर मान लीजिए और भी आपको कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट में फीडबैक लिखिए और हम उस पर ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का, क्योंकि हम भी अभी सीख रहे हैं तो हम उसको, हम जो कमियाँ आ रही है हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्यूशन करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, स्टे फोकस and do well.